नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। गदर 2 के बाद सनी देओल की एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉर्डर का सीक्वल आने की संभावना है। बॉर्डर के डायरेक्टर जेपी दत्ता, उनकी बेटी निधि दत्ता और सनी देओल इसके लिए सोच विचार कर रहे हैं। कहानी की बैकग्राउंड 1971 के भारत पाक युद्ध पर आधारित होगी। फिल्म से जुड़ी टीम पिछले 2-3 साल से प्लानिंग कर रही थी। फिल्म में पुराने एक्टर्स को नहीं लिया जाएगा। पहले पार्ट से सनी देओल इकलौते एक्टर होंगे जो बॉर्डर 2 में नजर आएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदी फिल्म के इतिहास की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक बॉर्डर 2 का सीक्वल बनने जा रहा है। बॉर्डर एक ऐसी फिल्म थी जिसका दूसरा पार्ट बनना चाहिए था। प्रोडक्शन से जुड़ी टीम पिछले 2-3 साल से फिल्म का सीक्वल बनाने पर चर्चा कर रही थी। अब जल्द ही इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो सकती है। फिल्म में भारत पाक के बीच वॉर की एक ऐसी कहानी दिखाई जाएगी जो शायद इससे पहले बड़े पर्दे पर नहीं दिखाई गई है। सोर्सेस ने आगे बताया, बॉर्डर 2 में भारी भरकम एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेंगे। फिल्म में इस जनरेशन के एक्टर्स होंगे, पुरानी वाली फिल्म से एक भी एक्टर नहीं होगा। हालांकि सनी देओल फिल्म के साथ जरूर जुड़ेंगे। फिल्म से जुड़ी और भी जानकारियां जल्द सामने आएगी। जेपी दत्ता और निधि दत्ता फिल्म के प्रोड्यूसर होंगे। वे अभी इंडस्ट्री के टॉप स्टूडियो के साथ बातचीत कर रहे हैं। जल्द ही कोलैबोरेशन होने के चांसेस हैं। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।